पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमले के पाकिस्तान लिंक को लेकर रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। अब दो नए नंबर भी सामने आए हैं जिन पर मारे गए आतंकवादियों ने बात की थी। ये दोनों ही नंबर पाकिस्तान के बताए जा रहे हैं। एक अंग्रेजी अखबार ने दावा किया है कि इसमें से एक नंबर आतंकी की माँ का है और दूसरा नंबर उसके उस्ताद यानी इस नापाक मिशन के हैंडलर का। ये दोनों नंबर 9 2 3 0 1 7 7 7 5 2 5 3 और 9 2 3 0 0 0 9 7 2 1 2 है। पहला कॉल आतंकवादियों ने 31 दिसंबर को रात में 9:12 पर 9 2 3 0 0 0 9 7 2 1 2 पर किया था। यह कॉल आतंकियों ने टैक्सी ड्राइवर इकरार सिंह के फोन से किया था जिसे उन्होंने बाद में मार दिया। आतंकी दूसरी ओर पाकिस्तान में बैठे शख्स को उस्ताद के नाम से संबोधित कर रहे थे। एक बार उस्ताद ने आतंकियों को डांटा भी था क्योंकि वे तय समय से अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पाए थे। टैक्सी ड्राइवर के मोबाइल का उपयोग सिर्फ एक कॉल करने के लिए किया गया था जबकि उसी नंबर पर 4 बार कॉल पाकिस्तानी नंबर से आया था। ड्राइवर के मोबाइल का उपयोग आतंकवादियों ने मिस्ड कॉल करने के लिए भी किया और अपने आकाओं से आगे का दिशा निर्देश भी पूछा। वहीं दूसरा नंबर एक आतंकी की माँ का है जिस पर उसने फोन कर अपनी माँ को इस आतंकी मिशन पर होने की जानकारी दी थी। आपको बता दें कि पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमले में हमारे 7 जवान शहीद हो गए थे, वहीं हमारे सुरक्षा बलों ने 6 आतंकवादियों को ढेर कर दिया था। पठानकोट पर हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने फोन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जांच में हर संभव मदद का भरोसा दिया था। गुरुवार को भारत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2 टूक शब्दों में पाकिस्तान को ये बता दिया कि अब विदेश सचिव स्तरीय वार्ता तभी होगी जब पाकिस्तान भारत द्वारा मुहैया कराए गए सबूतों पर त्वरित गति से ठोस कार्रवाई करता हुआ नजर आएगा। ऐसे में इन दो नए नंबरों के सामने आने के बाद से पाकिस्तान के सामने एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ गई हैं। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले के एक बयान ने सबको चौंका दिया। नासिक में महिलाओं के कार्यक्रम में उन्होंने ये बयान दिया कि संसद में हम गप करते हैं और साड़ियों पर चर्चा करते हैं। सुले के इस बयान के बाद में सभी महिला सांसद बैकफुट पर हैं। सुप्रिया ने कहा कि मैं जब संसद जाती हूं तो पहला भाषण सुनती हूं, दूसरा सुनती हूं और तीसरा भी सुनती हूं। चौथे भाषण तक जो पहला दूसरा तीसरा बोला होता है वही बोलता रहता है और वही बोलते बोलते अगर आप उससे पूछेंगे कि क्या भाषण किया है तो चौथे भाषण के बाद हम कुछ नहीं बता सकते। इसलिए बीच बीच में बगल के सांसदों से हम गप करते रहते हैं। हमारे वहाँ वो चलता है जो आपकी कक्षा में नहीं चलता। सांसदों से बात करते वक्त ऊपर लगे टीवी में सब कुछ दिखता है। आप लोगों को लगता होगा कि सांसद देश की चर्चा कर रहे हैं। समझो कि मैं चेन्नई के सांसद की बात कर रही हूँ तो आपको लगता होगा कि ताई चेन्नई के बाढ़ के बारे में चर्चा कर रही हैं। लेकिन ऐसी कोई चर्चा नहीं होती। तुम साड़ी कहाँ से लाई हो और मेरी साड़ी कहाँ से आई है, यही सब बातें होती रहती हैं। आप लोग भी क्या गप मारते हैं कि नहीं? सुप्रिया सुले के इस बयान के बाद जहाँ एक तरफ तमाम राजनीतिक पार्टियां उनके ऊपर हमलावर हो रही हैं, वहीं पर बीजेपी नेता और केंद्रीय राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने चुटकी लेते हुए कहा कि ये बयान तो सिर्फ सोनिया गांधी के लिए था। नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी आसाराम को जमानत देने से सेशन कोर्ट ने एक बार फिर इनकार कर दिया है। सेशन कोर्ट डिस्ट्रिक्ट में आसाराम की यह 5वीं जमानत अर्जी थी। इस पर बीजेपी के सीनियर लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने चार्टर प्लेन से जोधपुर आकर पैरवी की थी। आसाराम और उनके हजारों अनुयायियों की आशाओं पर एक बार फिर पानी फिर गया। सुब्रमण्यम स्वामी की पैरवी दूसरी बार भी आसाराम को जेल से बाहर नहीं ला पाई। सेशन कोर्ट डिस्ट्रिक्ट ने फैसला देते हुए आसाराम की 5वीं जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। इस अर्जी पर 4 जनवरी को दोनों पक्षों ने बहस पूरी कर ली थी। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने चार्टर प्लेन से जोधपुर आकर आसाराम की पैरवी की थी। स्वामी ने दलीलें दी थी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सभी गवाहों के बयान पूरे हो चुके हैं, इसलिए आसाराम को जमानत दे दी जानी चाहिए। स्वामी ने पीड़िता को घटना के समय बालिक बताते हुए कहा था कि पीड़िता की उम्र संबंधी सभी दस्तावेज सबूत के तौर पर एकत्र नहीं किए गए थे। इसके जवाब में अभियोजन पक्ष और पीड़िता के वकीलों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट की मौजूदगी में उम्र संबंधी अन्य दस्तावेज की जरूरत नहीं होती। दोनों पक्षों की बहस के बाद 4 जनवरी को सेशन जज ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए अर्जी खारिज कर दी। आसाराम की ओर से सेशन कोर्ट के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है।
लेकिन ऐसा कोई भी फैसला बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी से सलाह मशविरा करके ही किया जाएगा। वैसे भी आसाराम के खिलाफ दुष्कर्म के मामले की सुनवाई अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है, आने वाले कुछ समय में इस मुकदमे का फैसला भी आ सकता है। प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द अगर जनता और जनता के प्रतिनिधियों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उनके इस बयान ने सरकारी महकमे में हड़कंप मचा दी है। सरकारी विभागों में जनता और जनता के प्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं करने वाले अधिकारियों पर सरकार कार्रवाई करेगी, यह कहना है बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी का। परनामी के अनुसार विधानसभा की समितियों के प्रश्नों के जवाब ही यदि अधिकारी समय पर नहीं देते हैं तो आम जनता की समस्याओं की सुनवाई कैसे होगी। परनामी के अनुसार सरकार अपनी उपलब्धियों को तो गिनाती है तो कमियों को भी स्वीकार करने से परहेज नहीं करती। यही कारण है कि जब लगा कि अधिकारी विधानसभा के प्रश्नों का समय पर जवाब नहीं देते हैं तो विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें तलब कर लिया और सरकार भी ऐसे अधिकारियों को बर्दाश्त नहीं करेगी। बहरहाल जो भी हो, परनामी ने जनहित में कठोर कदम उठाने का निर्णय तो ले लिया है, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि उनकी ये चेतावनी सरकारी अधिकारी इसकी सुध भी लेते हैं या सिर्फ ये एक फिल्मी डायलॉग बनकर रह जाए। राजस्थान विधानसभा में दिसंबर 2015 तक लंबित तारांकित और अतारांकित प्रश्नों के जवाब 15 फरवरी 2016 तक भिजवा दिए जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में ये निर्णय लिया गया। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल की अध्यक्षता में आज विधानसभा के तारांकित और अतारांकित प्रश्न नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख नियम 139 के तहत ध्यान आकर्षण प्रस्ताव आश्वासन याचिका नियम 127 और 119 के प्रस्तावों के जवाब विभागों के वार्षिक प्रतिवेदन और राजकीय उपक्रमों के वित्तीय लेखे विभिन्न समितियों की ओर से भेजे गए पत्रों के जवाब समय पर न आने जैसे विषयों पर समितियों के सभापतियों की उपस्थिति में मुख्य सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रमुख शासन सचिव और शासन सचिवों की बैठक में यह निर्णय लिए गए। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सभी अधिकारियों को विधानसभा प्रक्रिया नियमावली का अध्ययन करना चाहिए जिससे संसदीय कार्य नियमानुसार संपादित हो सके। बैठक में विधानसभा उपाध्यक्ष राव राजेंद्र सिंह और जन लेखा समिति के सभापति प्रद्युम्न सिंह ने इस बात को काफी गंभीर बताया कि एजी के लगातार अनुस्मरण के बाद भी जयपुर विकास प्राधिकरण और राजस्थान आवासन मंडल की संपूर्ण ऑडिट नहीं करवाकर सिर्फ राज्य सरकार से प्राप्त राशि की ही ऑडिट हो रही है। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि पूर्ण ऑडिट होनी चाहिए और सभी राजकीय उपक्रमों के वार्षिक आय व्यय लेखे की ऑडिट के साथ ही समय पर विधानसभा पर आ जाने चाहिए। चर्चा के दौरान मुख्य सचिव सीएस राजन ने आश्वासन दिया कि आगामी सत्र से निर्धारित समय सीमा में सभी जवाब भिजवा दिए जाएंगे। बैठक में मौजूद संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ ने भी कहा कि वे खुद मॉनिटरिंग करेंगे, तय समय सीमा में सभी प्रश्नों के जवाब पटल पर रख दिए जाएं, क्योंकि विधानसभा एक सर्वोच्च संस्था है। राजधानी जयपुर के बढ़ते यातायात को सुगम बनाने के लिए शहर का नया ट्रैफिक प्लान तैयार किया जा रहा है। इसके लिए महापौर निर्मल नाटा ने आज विभिन्न विभागों के अधिकारियों की अहम बैठक ली। बैठक में तय हुआ कि चारदीवारी में बाहर से आने वाली निजी बसों को शहर के बाहर ही पार्क किया जाए जिससे चारदीवारी क्षेत्र में लगने वाले जाम से निजात मिल सके। इसके साथ ही शहर में बड़ी बसों के बजाय JCTSL की छोटी बसों की संख्या दोगुनी करने का निर्णय भी लिया गया। बैठक में सांगानेर गेट पर भी यातायात व्यवस्था न्यू गेट की तर्ज पर करने का निर्णय हुआ जिससे MI रोड, जोरी बाजार, बापू बाजार और संजय बाजार में एक साथ यातायात गुजर सके। इस बैठक में शहर के हर बाजार में पार्किंग स्लॉट विकसित करने पर भी निर्णय लिया गया। इसके अलावा बैठक में यातायात पुलिस द्वारा प्रस्ताव दिया गया कि शहर के मुख्य मार्गों में यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए बारात को चुने मार्गों पर रोकने पर भी विचार किया गया। इस बैठक में राजधानी जयपुर में JCTSL की ओर से चलने वाली सभी लो फ्लोर बसों में CCTV कैमरे लगाने का निर्णय भी लिया गया। प्रदेश में बढ़ता प्रदूषण चिंता का विषय है और सरकार के लिए इससे निपटना चुनौती भरा काम, लेकिन सरकार इसमें जुट चुकी है और इसकी पहल करते हुए परिवहन विभाग ने एक प्रस्ताव का खाका भी तैयार किया है। प्रदेश में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार जल्द ही सख्त कदम उठाने वाली है। जी हाँ, परिवहन विभाग ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है और अगले एक सप्ताह में वो प्रस्ताव तैयार कर सरकार को सौंपेगा। पहले चरण में सरकार सभी तरह के वाहनों की लाइफ लिमिट तय करेगी और इसके नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अवधि पार वाहन सड़कों पर नहीं दौड़ सकेंगे। परिवहन मंत्री यूनुस खान के अनुसार लाइफ लिमिट तय करने के लिए अन्य राज्यों में अपनाए जा रहे नियम और केंद्र सरकार की पॉलिसी का अध्ययन किया जा रहा है। खान ने बताया कि सरकार चाहती है कि सालों पुराने वाहन सड़कों पर ना दौड़े क्योंकि प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह यही है। प्रस्ताव 7 दिन बाद सरकार को सौंपा जाएगा और उसमें पहले चरण के तहत सभी वाहनों की लाइफ लिमिट तय की जाएगी।
मतलब साफ है कि जो लाइफ लिमिट तय कर चुका होगा वो वाहन अब सड़कों पर नहीं दौड़ पाएगा और प्रदूषण भी उससे कम होगा। चित्तौड़गढ़ के विश्व प्रसिद्ध दुर्ग पर आने वाले पर्यटकों के लिए कई सुविधाओं का विस्तार होगा। केंद्र सरकार के सहयोग से कई विकास की योजनाएं दुर्ग पर शुरू होगी। चित्तौड़गढ़ के विश्व प्रसिद्ध दुर्ग पर आने वाले पर्यटकों के लिए सुविधाओं में विस्तार होगा। चित्तौड़गढ़ सांसद चंद्रप्रकाश जोशी, नगर परिषद सभापति सुशील शर्मा ने पुरातत्व अधिकारियों, इतिहासकारों, दुर्गवासियों व जनप्रतिनिधियों के साथ दुर्ग का दौरा किया। सांसद ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि दुर्ग पर कई विकास के कार्य होंगे। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए बैटरी से कार चलाई जाएगी, पार्किंग कॉम्प्लेक्स व आधुनिक शौचालयों का निर्माण होगा तथा दुर्ग पर सोलर लाइटें जल्दी ही लगाई जाएगी। सांसद ने बताया कि दुर्ग पर प्राचीन इमारतों के रखरखाव का कार्य जारी है तथा कई कुंड व बावड़ियों के रिन्यूएशन का कार्य भी प्रगति पर है। उन्होंने दुर्ग पर हो रहे अतिक्रमण के लिए कहा कि स्थानीय प्रशासन की मदद से अतिक्रमण कार्यों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। बहरहाल चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अतिक्रमण एक बड़ी समस्या बनकर सामने आया है। अगर प्रशासन ने ठोस कार्रवाई नहीं की तो आने वाले दिनों में अतिक्रमण के चलते दुर्ग के प्राचीन इमारतें व इतिहास को नुकसान होगा। उमराव सालोदिया के बाद अब उदयपुर जिला प्रमुख ने भी आरोप लगाया है कि दलितों के साथ भेदभाव हो रहा है। जिला प्रमुख शांतिलाल मेघवाल ने मीडिया को अपने कक्ष में बुलाकर उनके सामने अपनी व्यथा बताते हुए कहा कि उदयपुर के प्रशासनिक अधिकारी उनकी हर बात को दरकिनार कर रहे हैं। न तो उन्हें कार्यक्रमों की सूचना दी जा रही है और न ही उन्हें कार्यक्रम में पहुंचने पर तवज्जो दी जा रही है। शांतिलाल मेघवाल का कहना था कि उदयपुर के सभी प्रशासनिक अधिकारी क्योंकि उच्च वर्ग से हैं, इसके चलते वे उनके दलित होने की वजह से उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें न तो कार्यक्रमों की जानकारी दी जाती है और न ही कार्यक्रमों में पहुँचने के बाद तवज्जो दी जाती है। उनका कहना था कि जिला कलेक्टर भी कई बार उन्हें इग्नोर करते हुए दिखाई देते हैं। उनका कहना था कि दलित होने के चलते ही शायद उनके साथ इस तरह का भेदभाव किया जा रहा है। जिला प्रमुख शांतिलाल मेघवाल ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि वे उनके साथ हो रहे भेदभाव की शिकायत अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष से करेंगे। उनका कहना था कि सरकार के साथ या सरकार की तरफ से तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन वे सभी अधिकारी जो उच्च वर्ग से बिलोंग करते हैं वे उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। अब देखना यह होगा क्या उमराव सलोदिया की राह पर चलते हुए शांतिलाल मेघवाल भी ऐसा कोई रुख इख्तियार करते हैं जिसके चलते हंगामा खड़ा होता है। श्री डूंगरगढ़ थाना क्षेत्र के कालूबास में एक शर्मसार घटना सामने आई, जहां पर एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या करके खुद को फांसी लगा ली। मामला आपसी अनबन का भी बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। श्री डूंगरगढ़ के कालूबास क्षेत्र में अल सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक शराबी पति ने कुल्हाड़ी की वार से अपनी पत्नी की हत्या कर शव को आत्महत्या भी कर ली। इंद्र सिंह नामक यह शख्स दिहाड़ी मजदूर का काम करता था, जिसके 4 व 8 वर्ष के 2 बच्चे भी बताए जा रहे हैं। श्री डूंगरगढ़ के सीईओ जगदीश बोरा ने बताया कि आज सुबह जब इंद्र सिंह के घर बच्चों से रोने की आवाज आने लगी तो पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो घर का अंदर से दरवाजा बंद मिला। पुलिस ने सीढ़ियों के जरिए जब घर में प्रवेश किया तो देखा कि बच्चे रोने की आवाज कर रहे हैं। जब 29 वर्षीय सुधाकर का शव बिस्तर पर पड़ा था, दूसरे कमरे में इंद्र सिंह का भी शव फांसी के फंदे से झूलता पाया गया। सीओ वोरा के अनुसार प्रथम दृष्टया आपसी करने के बाद वारदात को अंजाम दिया जाना प्रतीत हो रहा है। हालांकि पुलिस इस मामले की आगे जांच कर रही है। पिछले 3 दिनों से बीकानेर क्षेत्र में दूसरी शर्मसार घटना है, जहां पर एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या करके खुद को फांसी लगा ली। बहरहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। जैसलमेर में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। वहीं इस हादसे में 12 छात्राएं घायल हो गई है, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जैसलमेर में आज एक भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। वहीं इस हादसे में 12 छात्राएं घायल हो गई हैं। घायलों को तत्काल जवाहरलाल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। हादसा सम रोड पर हुआ, जहां पर मां दुर्गा शिक्षण संस्थान की बस जैसलमेर की तरफ से आ रही थी। वहीं जैसलमेर से एक जीप लोक कलाकारों को लेकर सम जा रही थी। जीप चालक की गलती से जीप ने बस को टक्कर मार दी और जोरदार भिड़ंत की वजह से 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में 6 मोडा गांव के मणिहार जाति के बताए जा रहे हैं। वह मृतक ड्राइवर सम क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है। 108 एम्बुलेंस की सहायता से सभी घायल 12 छात्राओं को स्थानीय ज्वार अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। प्रदेश में बढ़ते सड़क हादसे चिंता का विषय है। इसी को लेकर कल गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने बैठक ली थी और बैठक में नए यातायात नियम लागू करने का
आदेश भी दिया गया है। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके के बाड़ी रोड स्थित जगदीश होटल में एक 45 वर्षीय युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के शिवपुरी निवासी राज कपूर अपने भाई और दोस्तों के साथ गुरुवार को भरतपुर घूमने जा रहा था। रात अधिक होने के कारण चारों युवक धौलपुर के जगदीश होटल में रुक गए। चारों युवक होटल के एक कमरे में सो गए और सुबह होने पर राज कपूर मृत अवस्था में मिला। युवक की मौत की खबर के बाद होटल में हड़कंप मच गया। मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर धौलपुर अस्पताल में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर मामले की जांच शुरू कर दी है। बहरहाल मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया है। तो वही पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार का एक ही नारा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज भी हमारे समाज में बेटियों की चाह कम देखने को मिल रही है। ऐसा ही एक मामला आज भरतपुर में देखने को मिला, जहां एक पिता ने अपनी मासूम बालिका को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वह बेटा नहीं था। भरतपुर जिले के कामा कस्बे के सतवान गांव से बाल कल्याण समिति और चाइल्ड लाइन ने 11 वर्षीय नाबालिग बालिका को दस्तयाब किया है। बालिका के पिता ने उसे इसलिए छोड़ दिया कि वो लड़की है, उसे लड़का चाहिए था। बालिका ने बताया कि उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी है और मरने से पूर्व उसकी माँ ने वृंदावन में किसी रिश्तेदार के यहाँ उसे छोड़ दिया था। उसके बाद उसको कामा में कोई खरीद कर लाया, जहाँ पर पूरा दिन काम कराने के बाद उस नाबालिग बालिका को एक रोटी दी जाती थी और उसको लाने वाला व्यक्ति अपने बेटे से शादी कराना चाहता था, मगर उससे पूर्व भी किसी सज्जन व्यक्ति ने बाल कल्याण समिति को फोन करके बुलाकर बालिका को उनके हवाले कर दिया। भरतपुर बाल कल्याण समिति ने चाइल्ड लाइन को घटना की FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं, जिसमें मानव तस्करी, यौन अत्याचार आदि विभिन्न मामलों में मामला दर्ज करने के अलावा बालिका को बाल कल्याण समिति द्वारा पढ़ाया लिखाया जाएगा। राजधानी में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि उन्हें पुलिस तक की भी परवाह नहीं। ताजा मामला विधायकपुरी थाना इलाके का है, जहां चोरों ने विधायकपुरी थाना इलाके के सबसे व्यस्तम इलाका माने जाने वाले MI रोड स्थित एक मोबाइल शोरूम को अपना निशाना बनाया। राजधानी की सबसे व्यस्तम मानी जाने वाली MI रोड स्थित एक मोबाइल शोरूम में लाखों की चोरी होने का मामला सामने आया है। दरअसल आज सुबह शोरूम संचालक दुकान पर पहुंचा और शटर मुड़ाव मिला तो दुकान के मालिक ने अंदर जाकर देखा तो सामान अस्त-व्यस्त था। इसके बाद दुकान संचालक ने चोरी की सूचना पुलिस में दी। इसके बाद विधायकपुरी थाना पुलिस और ACP मौके में पहुंचे। पुलिस ने बताया चोरों ने पहले चाबी से शटर को खोलने का प्रयास किया, फिर शटर को मोड़कर दुकान के अंदर घुसे। चोर मौके से महंगे मोबाइल चुराकर फरार हो गए। वही सूचना के बाद SFL टीम और फिंगरप्रिंट टीम मौके पर पहुंची और चोरों के साक्ष्य जुटाए। वही पुलिस आस पड़ोस की दुकान में लगे CCTV फुटेज भी तलाश रही है। अलवर में ACP की टीम ने रमसा के एक AN को 1,89,000 रुपए के साथ गिरफ्तार किया है। उसके पास से रकम जो थी वो ठेकेदारों से कमीशन के बेस पर ली गई थी, जिसकी शिकायत ACP को मिली थी और उसके बाद रेलवे स्टेशन से इसको गिरफ्तार किया गया। आज इसे कोर्ट में पेश किया गया है। अलवर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के एक सहायक अभियंता को अलवर रेलवे स्टेशन से 1,89,000 रुपए के साथ गिरफ्तार किया है। यह राशि ठेकेदारों के बिल पास करने के एवज में मांगी थी। ब्यूरो के DSP सलेह मोहम्मद ने बताया कि रमसा का सहायक अभियंता श्रीनिवास रोहिल्लर रोजाना अलवर से जयपुर अप डाउन करता है और ठेकेदारों से बिल पास करने के एवज में रिश्वत की मांग करता है। ब्यूरो ने सूचना के आधार पर आज कार्रवाई की है। शिकायतकर्ताओं द्वारा बताए हुलिया के आधार पर आज रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर सहायक अभियंता को पकड़कर उसकी तलाशी ली गई। ACP टीम ने उसके पास मौजूद बैग की तलाशी के दौरान 4 लिफाफे बरामद किए। उन लिफाफों में 1,73,000 रुपए मिले और उनके कपड़ों की जेब से 16,500 रुपए मिले। ACP उसे सीधे रेलवे स्टेशन से कार्यालय ले गई। ब्यूरो ने उससे बरामद राशि के बारे में पूछताछ की तो कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिला। ACP की जांच में सामने आया कि सहायक अभियंता लगातार पैसों को अपने घर ले जा रहा था और डेली अलवर से जयपुर अप डाउन करता था, जिसका निवास जयपुर में है। जहां पर भी ACP की टीम ने जांच की है, वहीं घर के सभी रिकॉर्ड भी जब्त किए गए हैं, लेकिन अभी ACP ने इसका कोई खुलासा नहीं किया है। वहीं सभी रिकॉर्डों को लेकर के अभी ACP जांच कर रही है। 6 अप्रैल 2012 को चाकुओं से गोदकर युवक की हत्या करने के मामले में अपर एवं जिला सेशन न्यायाधीश ने 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तीनों ही आरोपियों ने युवक की हत्या पुरानी रंजिश के चलते की थी। दरअसल पुरानी टोंक थाना क्षेत्र के गांधी पार्क के पास 6 अप्रैल 2012 को अभिलाष कुमावत की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी।
पुलिस ने मामले की जांच की तो पता चला कि पवन चौथमल और कजोर ने उसी अभिलाष की हत्या की है। जब मामले के अंदर तफ्तीश आगे बढ़ाई तो पता चला कि तीनों की पुरानी रंजिश अभिलाष से थी, जिसके चलते उसको गांधी पार्क के पास ले गए, वहां पर चाकू से गोद कर हत्या कर दी। इस पूरे मामले के अंदर अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट के अंदर 17 गवाह पेश किए गए। 3 साल लंबित यह मामला चलता रहा, उसके बाद आज कोर्ट ने तीनों ही आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 3 साल पूर्व हुई अभिलाष की हत्या से पूरे शहर में सनसनी फैल गई थी और पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े हुए थे। लेकिन 3 साल बाद जब इस पूरे मामले के अंदर कोर्ट ने फैसला सुनाया तो परिवार वालों ने संतोष जाहिर किया। हरियाणा से अवैध रूप से गुजरात ले जाई जा रही लगभग 55 लाख रुपए कीमत की शराब गेगल थाना पुलिस ने बरामद की है। पुलिस ने इस मामले में ट्रक चालक और खलासी को गिरफ्तार कर लिया है। अजमेर जिले के गेगल थाना पुलिस को मुखबिर के जरिए जानकारी मिली कि हरियाणा से अवैध अंग्रेज शराब से भरा ट्रक गुजरात जा रहा है। सूचना पर गेगल थाना पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर नाकेबंदी की तो जयपुर की तरफ से आ रहे एक ट्रक को रुकने का इशारा किया। ट्रक चालक ने रुकने के बजाय ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। पुलिस ने ट्रक का पीछा किया और ट्रक को रोककर तलाशी ली तो उसमें 850 पेटी भारत में निर्मित विभिन्न ब्रांड की अंग्रेजी शराब बरामद की। पुलिस ने हरियाणा निवासी ट्रक चालक कृष्णा जाट और खलासी को गिरफ्तार कर लिया है। गुजरात में शराबबंदी होने के कारण वहां अवैध रूप से शराब बेची जाती है। ये शराब 2 से 4 गुना कीमत पर बिकने के कारण पंजाब और हरियाणा से राजस्थान के रास्ते अवैध शराब का परिवहन किया जाता रहा है। पुलिस और आबकारी विभाग लगातार अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, लेकिन चूंकि गुजरात में ऊंचे दामों पर शराब बेची जाती है, लिहाजा लालच की वजह से लगातार अवैध रूप से शराब परिवहन करके गुजरात ले जाई जा रही है। बूंदी में धूल खा रही और खतरी उपभोक्ताओं की फाइलें और छतों पर लगे नजारे ये किसी कबाड़ी की दुकान का नहीं बल्कि राजस्व कार्यालय का है। यहाँ पर रोजाना आने वाले 100 से अधिक लोग इस दुर्दशा को देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वच्छता का संदेश दे रहे हैं, लेकिन इसकी पाला सरकारी दफ्तरों में अनदेखी का शिकार हो रही है। समाचार प्लस ने शहर के बीचों बीच लंगागढ़ स्थित जयपुर विद्युत वितरण निगम के सहायक अभियंता कार्यालय के हाथ स्वच्छता अभियान की उल्टी तस्वीर दिखाई पड़ी। प्रवेश द्वार से लेकर कुछ परिसर में जगह जगह विद्युत तार पोल और मीटर बिखरे पड़े हुए थे। राजस्व शाखा के कार्यालय में आमदन की फाइलों में दिमक लग गई है और धूल मिट्टी के कारण उपयोग की फाइलें नष्ट होती जा रही है। ऐसे में जरूरत पड़ने पर उपभोक्ताओं की प्रताड़ी कार्यालय में नहीं मिल पाएगी। उपभोक्ताओं के बिल जमा कराने वाले कक्ष बदाल है, सुविधाओं के मोहताज, ये खिड़किया की जालियां भी टूटी हुई है। बिल जमा करने के लिए ऑनलाइन कार्य ठप पड़ा है, कर्मचारी कागज पर ही बिल जमा करने पर मजबूर है। ऑनलाइन सिस्टम नहीं चलने से प्रिंटर खराब की समस्या हो रही है। वहीं जयपुर से ऑडिट टीम को भी इन फाइलों को देखकर अस्थमा और मच्छरों का आतंक होने की बात कही और इस लापरवाही का जिम्मेदार विभाग के अधिकारियों को बताया। देखने वाली ये बात होगी कि ये धूल खा रही फाइलों को कब अधिकारी सुध लेते हैं और कब यहाँ पर आने वाले लोगों को इन फाइलें मिल पाती है। जब विद्युत विभाग में लोग इन फाइलों को लेने के लिए आते हैं तो अधिकारी उन्हें फाइलों को देने से मना कर देते हैं। जब इस मामले की हमने राजस्व अधिकारी से बात करना चाहा तो उन्होंने उच्च अधिकारियों को हवाला देते हुए मामले से पलायन जा लिया।